हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में। इससे पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट्स हो चुके हैं। एक में हम लोगों ने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस के बारे में और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था क्रेब्स साइकिल यानी सिट्रिक एसिड पाथवे के बारे में। और आज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में, यानी इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन का बनना और ग्लाइकोजन का टूटना, तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्लाइकोजन क्या है? तो ग्लाइकोजन इज ए हाईली ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड। क्या है ये? ग्लाइकोजन एक बहुत ज्यादा ब्रांच वाला पॉलीसेक्राइड होता है। और ये आप कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, जो चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्च के बारे में, ग्लाइकोजन के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पे इसकी बहुत सारी डिटेल वहाँ पे आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को मिस करेंगे। हाँ, एक बात और मैं बता दूँ, अब मैं जो पढ़ाने वाला हूँ ना उसको बहुत मैं शॉर्ट करके पढ़ाऊंगा, इतना डीप नहीं जाऊँगा। जो चीज़ें मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्वेश्चन जो आ सकते थे एग्जाम के अंदर, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल ये ज़्यादा मतलब पूछता है, उसके अलावा भी सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बहुत डीपली नहीं पढ़ेंगे, सरसरी निगाहों से पढ़ेंगे ताकि हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। और मेरा टारगेट ये है कि ये मार्च खत्म होते होते मैं इसको पूरा सिलेबस जितना भी है सब कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। इसलिए अगर मैं कुछ चीज़ें मिस भी कर देता हूं तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा, इसलिए कि अब टाइम बहुत कम रह गया। अगर मैं सारी चीज़ों को डीपली पढ़ाने जाऊँगा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ग्लाइकोजन क्या है? ये इज ए हाईली ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड। तो ये क्या एक तरीके का पॉलीसेक्राइड है। अब ये पॉलीसेक्राइड मोनोसेक्राइड ये आप सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, इतना जानिए कि पॉलीमर होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, यानी ये समझिए कि कई सारे क्या शुगर मिलके इसको बनाते हैं तो ग्लाइकोजन बनता है। यानी सपोज मान लीजिए कि एक ग्लूकोज है, दो ग्लूकोज, तीन ग्लूकोज, चार ग्लूकोज। ठीक है, तो ये ग्लूकोज आपस में जुड़ते रहते हैं तो ये फिर क्या बनता है? ग्लाइकोजन बनता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये हाईली ब्रांच्ड है, यानी पता चला कि ये दो तीन कार्बन, दो तीन ग्लूकोज जुड़े, फिर उसके बाद एक ब्रांच इधर निकल गई। ठीक है, और उसमें फिर 8-10 क्या है ग्लूकोज जुड़े हुए हैं, फिर ये आगे बढ़ा तो एक इधर निकल गया, फिर यहाँ पे 8-10 ग्लूकोज क्या है जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी एक लंबी चैन होती है। ठीक, और ये क्या होता है, इसे इसमें ब्रांच होते हैं, यानी हाईली ब्रांच मतलब ये कि इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांच निकले रहते हैं, फिर इधर ब्रांच निकल गया, फिर यहाँ पे बहुत सारे क्या है ग्लूकोज जुड़े हुए हैं, फिर ऐसे बढ़ा ही आगे, फिर यहाँ पे एक ब्रांच निकल गया, बहुत सारे ग्लूकोज जुड़े हुए हैं, तो ये होता है हाईली ब्रांच का मतलब। ठीक, और ये जो ब्रांच निकलते हैं ये, तो उसमें कितने 8-10 ग्लूकोज यूनिट होते हैं। ठीक है, हर ब्रांच के ऊपर। अब जो ग्लूकोज है ना, ये स्टोर होता है एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं ग्लूकोज, तो जितना यूज होना रहता है हो जाता है, जो बचता है उसको ग्लाइकोजन बना के स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, अब कहाँ पे स्टोर होता है ग्लाइकोजन? तो ये मेनली स्टोर होता है हमारे लीवर के अंदर। ठीक है, कितना? 6-8%। ठीक, और कहाँ पे ये, और कहाँ पे ये क्या कहते हैं स्टोर होता है? तो हमारे जो मसल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए मसल्स है, जहाँ पे भी ये गोश्त वगैरह हैं, जो मसल्स हैं उसके अंदर, मसल्स सेल हैं उसके अंदर क्या होता है ये स्टोर होता है, तो वहाँ पे कितना होता है? तो 1-25 नहीं है बल्कि 1-2% है। ठीक है, 1-2% मसल्स के अंदर होता है, लेकिन लीवर हमारा क्या है, छोटा सा है, उसके मुकाबले में हमारे मसल्स बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। समझ में आ रही बात? होता तो कितने हैं परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो लीवर के अंदर ज़्यादा स्टोर होता है, कितना? 6-8%। ठीक, लेकिन अगर, और मसल्स के अंदर कितना? 1-2%। लेकिन अगर क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो मसल्स के अंदर ज़्यादा होता है, इसलिए कि मसल्स ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं लीवर के मुकाबले में। लीवर कितना है? मुश्किल से बहुत ज़्यादा होगा तो 1.5 किलो 2 किलो का होगा, और हमारा जो मसल्स है तो 40 किलो का, नहीं तो मान लीजिए 30 किलो का है, तो उसके अंदर 1.5% ही, अगर 2% है तो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए क्या है, अकॉर्डिंग टू NCBI, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च करती है, ठीक है, NCBI, तो उनके कहने के हिसाब से कितना के 500 ग्राम, कितना? 500 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर होता है किसमें? हमारे मसल्स के अंदर, और 100 ग्राम स्टोर होता है हमारे लीवर के अंदर एक नॉर्मल आदमी के अंदर। ठीक है, यानी बहुत पतला दुबला तो कम होगा, बहुत ज्यादा मोटा है तो ज्यादा हो सकता है, जो नॉर्मल इंसान है उसके अंदर इतना होता है। लेकिन और बहुत सारी बुक्स के अंदर आपको मिलेगा कि इसमें मतलब 275 या 200, 250, 300 के करीब मिलता है आपको, किसमें? हमारे जो मसल्स हैं उसके अंदर, और लीवर के अंदर 75 ग्राम के करीब ये मिलता है। ठीक है, तो आपको ये भी मिल जाएगा, लेकिन NCBI एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब एक तरीके से क्या ऑथेंटिक है, जिसकी बातों को मतलब माना जाता है कि हाँ ये सही कहते हैं, तो उनके हिसाब से इतना रहता है। ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेनुल्स इन सेल साइटोसोल। तो जो सेल का साइटोसोल होता है, यानी साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर क्या है ये ग्लाइकोजन स्टोर होता है ग्रेनुल्स के मतलब शक्ल में। ग्रेनुल्स का मतलब होता है छोटे छोटे दाने। ठीक है, छोटे छोटे, मान लीजिए साइटोसोल है तो इसमें छोटे छोटे दानों की तरह ये दिखता है, उसमें इस तरीके से ये स्टोर होता है साइटोसोल के अंदर। ठीक,
वेयर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर फाउंड विच रिक्वायर टू ग्लाइकोजन सिंथेसिस, और ग्लाइकोजन के सिंथेसिस के लिए या उसके ब्रेकडाउन के लिए, यानी उसको यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है, वो मतलब होता है सिंथेसिस मतलब ग्लाइकोजेनेसिस और ब्रेकडाउन मतलब ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। तो सिंथेसिस के लिए जो इंजाइम की जरूरत पड़ती है वो भी इसके अंदर होते हैं, और इनके ब्रेकडाउन के लिए जिन इंजाइम की जरूरत पड़ती है वो भी इसके अंदर होते हैं, ठीक। मान लीजिए जब इसको क्या है तोड़ने की जरूरत है ग्लाइकोजन को, तो सबसे पहले कहाँ का जो मतलब ग्लाइकोजन टूटता है, तो जो हमारे लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर है सबसे पहले उसको एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। जब वो खत्म हो जाता है तब हमारे जो मसल्स के अंदर, हमारे जो मसल्स सेल हैं उसके अंदर जो क्या कहते हैं ग्लाइकोजन स्टोर है उनको क्या है यूज किया जाता है, फिर उनको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदला जाता है, वो भी लीवर के अंदर ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, फिर वहां पे सारा प्रोसेस होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, चूंकि अब ये मेटाबॉलिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर दोनों चीजें आएंगी, यानी उसका ब्रेकडाउन भी और उसका क्या सिंथेसिस भी। तो अब हम लोग उसका पढ़ रहे हैं सिंथेसिस, यानी कैसे वो बनता है ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, याद रखिएगा ग्लाइकोजेनेसिस। तो अब ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, तो दी फॉर्मेशन आप समझ चुके हैं, दी फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। ये क्वेश्चन एक एक नंबर का ऐसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन याद रखिएगा, ग्लाइकोजन इज ए हाईली ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड, ये आपको मालूम है हाईली ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके पाथवे के बारे में। अब ये समझिए कि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बहुत डीप नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें तीन स्टेप हैं वो आपको पहले से याद हैं, लास्ट के भी दो आपको याद हैं, सिर्फ एक स्टेप आपको याद करना है। तो हम लोगों ने क्या है जो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था उसमें तीन स्टेप जो आपने पढ़े थे सेम वही तीन स्टेप यहाँ पे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज से ये बनता है। तो सबसे पहला स्टेप ग्लूकोज, ये भी आपने पढ़ा था, एटीपी से एडीपी बनता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है, उसका जो पोजीशन है यानी फॉस्फेट का वो चेंज होता है, तो क्या होता है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बनता है। तो इसके लिए म्यूटेज एंजाइम यूज होगा, ठीक है, फॉस्फो ग्लूको म्यूटेज, ठीक है, फॉस्फो ग्लूको म्यूटेज, इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है पोजिशन चेंज हो रहा है, तो इतना आपको याद है, ठीक। आगे सिर्फ एक स्टेप आप ये याद कर लीजिए कि इसके बाद क्या बनता है, तो यूडीपी ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है यूडीपी ग्लूकोज, यानी यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज बनता है। इससे ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और स्ट्रक्चर लेवल पे भी आपसे कहा नहीं आपके सिलेबस में, बल्कि उसके अंदर मेंशन है कि आपको बिना स्ट्रक्चर के ही स्टेप सिर्फ पढ़ने हैं, ठीक। तो ये यूडीपी बनता है, ठीक है। अब यूडीपी बनने के लिए इसके अंदर यूज होता है यूटीपी, ठीक है, यूडीपी ग्लूकोज बनने के लिए इसके अंदर क्या होगा यूज यूटीपी। यूटीपी का मतलब होता है यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, क्या होता है यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, और ये जो यूटीपी है ये फिर क्या बन जाता है इस पूरे प्रोसेस में, तो ये बन जाता है पीपीआई का मतलब होता है पाइरोफॉस्फेट, क्या बन जाता है पाइरोफॉस्फेट, या आपके बाद जगहों पे लिखा हुआ मिलता है प्रोटीन फॉस्फेट, लेकिन ये ज्यादा सही नहीं है, बल्कि असल क्या है पाइरोफॉस्फेट ये बन जाता है, ठीक है। तो ये पाइरोफॉस्फेट बनता है इधर, और फिर इसमें जो एंजाइम यूज होता है तो वो भी इसी के नाम से यूडीपी ग्लूकोज पाइरोफॉस्फोराइलेज, ठीक है, यूडीपी ग्लूकोज और पाइरोफॉस्फोराइलेज, यानी पाइरोफॉस्फो इसमें क्या हो रहा है फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ठीक, इसमें यानी फॉस्फेट ऐड किया जा रहा है इसके अंदर। तो फिर इंजाइम भी कौन सा यूज होता है, तो यूडीपी ग्लूकोज आप इस नाम से ले लेंगे, ठीक है, और इसके अंदर क्या हो रहा है फॉस्फेट ऐड हो रहा है, तो और चूंकि यहाँ पे ये क्या है पाइरोफॉस्फेट है, तो इससे आप याद रखेंगे कि कौन सा यूज हो रहा है पाइरोफॉस्फोराइलेज, ठीक है, पाइरोफॉस्फोराइलेज। तो ये एक स्टेप आपने याद कर लिया, बाकी उसके बाद आप डायरेक्ट अगर ग्लाइकोजन भी लिख देते ना तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्या करेंगे आप ये वाला स्टेप गायब भी कर दें तब भी आपका काम चल जाएगा, यूडीपी ग्लूकोज किया उसके बाद डायरेक्ट ग्लाइकोजन कर देंगे और बीच में एंजाइम लगा देंगे ग्लाइकोजन सिंथेज, ठीक है, वो क्या करेगा सिंथेट करेगा यानी उसको बना देगा। लेकिन अगर आप याद करना चाहें आपके पास टाइम है तो ये स्टेप भी याद कर लीजिए। तो ये क्या यूडीपी ग्लूकोज के बाद क्या होता है एक एंजाइम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन इनिशिएटर, क्या बोलते हैं ग्लाइकोजन इनिशिएटर सिंथेज। तो और वो क्या करता है OH की मौजूदगी में यानी इसके अंदर क्या होता है हाइड्रोक्सिल की एंट्री होती है और वो क्या बन जाता है यूडीपी बन जाता है, ठीक है ना, यूडीपी बन जाता है यानी यूरिडीन डाइफॉस्फेट बन जाता है, इसके अंदर क्या कहते हैं हाइड्रोक्सिल की एंट्री होती है और फिर ये क्या बनता है ग्लाइकोजन प्राइमर। ग्लाइकोजन प्राइमर मतलब समझ लीजिए कि ये कई सारे ग्लूकोज हैं जो मतलब क्या है यूडीपी ग्लूकोज बने हुए हैं एक साथ, उनको ये क्या करता है ग्लूकोज इनिशिएटर सिंथेज उन सबको एक पास में लेके आता है, ठीक है, एक पास में लेके आया, कहा कि आपस में मिलाता है एक साथ में, फिर उसके बाद जब आता है ये ग्लाइकोजन सिंथेज तो उन सबको आपस में एक साथ जोड़ देता है, उनके लिंक बना देता है। जैसे कि मान लीजिए ये ग्लूकोज है, ठीक है,
ये अलग अलग थे, फिर उसको क्या बनाया गया, ये मतलब 6-फॉस्फेट बना, फिर उसके बाद क्या होता है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बनता है, ठीक है, उसके बाद क्या बनता है यूडीपी ग्लूकोज बन जाता है। तो ये अभी दूर दूर है, तो फिर ये जो आता है ग्लाइकोजन इनिशिएटर यानी शुरुआत करता है बनाने की, तो इन सबको पास पास में लेके आता है, कहता है पास पास में आओ, ठीक है, ये पास पास आ जाते हैं, फिर उसके बाद ग्लाइकोजन सिंथेस क्या करता है सबको एक साथ जोड़ देता है और फिर इनके लिंकेज भी बना देता है, इधर पता चला कि इधर निकले हुए हैं, फिर इधर जुड़े, फिर यहां से एक लिंक निकली और इधर जुड़ गए, तो ये सिंथेस क्या करता है पूरा ग्लाइकोजन को सिंथेसिस करवाता है अच्छे तरीके से, सब उनको बनवा देता है, उनके जो क्या कहते हैं उनके ब्रांच वगैरह हैं वो निकलवा देता है। तो ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस, तो ये और ज्यादा आसान है। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब क्या है, जो ग्लाइकोजन बन गया उसको तोड़ना, ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ना, तो उसका पाथवे क्या है, तो ग्लाइकोजन सबसे पहले क्या है, ग्लाइकोजन उसी का उल्टा है ये समझ लीजिए और कुछ नहीं है, ठीक, तो ग्लाइकोजन हो गया। अब ग्लाइकोजन को क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, तो उसके लिए इंजाइम यूज होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, क्या होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इंजाइम इसके लिए यूज होता है, तो वो क्या बन जाता है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, उसके बाद क्या बनता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा, तो आप यहीं से आप लगा सकते हैं, सिर्फ पोजीशन बदल रहा है, तो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, क्या होगा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज यानी पोजीशन बदल रहा है, उसके बाद फिर क्या होता है ग्लूकोज बन जाता है, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट यूज होता है एंजाइम और क्या बना देता है ग्लूकोज बना देता है, ठीक है, और ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, लीवर के अंदर हो रहा है आपके। अब एक टॉपिक है ये जो मतलब आपके एग्जाम के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, तो उसको मतलब मेंटेन करके रखेगा, उसका जो नॉर्मल लेवल है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, कैसे होता है, वो मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, यानी अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम किया जाएगा, कम हो रहा है उसको ज़्यादा किया जाएगा, तो ये हो गया क्या हो गया ये हो गया रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक। तो दी नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडीज ऑर्गन। अभी इसको क्यों नॉर्मल रखना है, क्यों कम ज़्यादा नहीं होने देना है, क्योंकि अगर ये कम ज़्यादा होगा तो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक। अब कौन करते हैं, तो इसके लिए दो हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, आपने दोनों के नाम सुने होंगे, दोनों के नहीं तो एक के तो ज़रूर सुन रखा होगा, इंसुलिन के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, ठीक है। तो दो जो हार्मोन होते हैं जो मतलब इसको रेगुलेट करते हैं, जो इसको मेंटेन करके रखते हैं, तो एक होता है एक हार्मोन का नाम है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागोन, क्या है इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये दोनों क्या है मतलब इसके लिए रेगुलेट करने के जिम्मेदार हैं, समझ लीजिए। और दोनों कहाँ से निकलते हैं, तो पैनक्रियाज जो हमारा है उस पैनक्रियाज से दोनों रिलीज होते हैं, एक जो है ये इंसुलिन है ये बीटा सेल से रिलीज होता है और जो ग्लूकागोन है वो अल्फा सेल से रिलीज होता है पैनक्रियाज के, इसको क्या बोलते हैं आइलेट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पैनक्रियाज को आइलेट्स। अब इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, तो दी बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज सेक्रेट इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, बीटा सेल से निकलते हैं पैनक्रियाज, क्या अभी कह सकते हैं कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस से निकलते हैं, और दी सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन इंक्रीज, ये याद रखिएगा दी सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन इंक्रीज व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज इन ब्लड, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन यानी उसकी मात्रा जब बढ़ती है ग्लूकोज की किसके ब्लड के अंदर, तो फिर इंसुलिन का सेक्रेशन बढ़ जाता है, यानी जैसे जैसे ग्लूकोज बढ़ता है हमारी मतलब हमारे ब्लड के अंदर ऐसे ऐसे इंसुलिन का सेक्रेशन भी क्या होता है बढ़ जाता है, यानी समझ लीजिए उसके पास मीटर लगा हुआ है जो पेनक्रियाज है उसको पता चल जाता है कि ब्लड के अंदर क्या है ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो इंसुलिन का सेक्रेशन वो बढ़ा देता है, ठीक। एंड इट्स सेक्रेशन डिक्रीज व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज डिक्रीज, और जब ग्लूकोज का क्या कहते हैं कंसंट्रेशन कम होता है तो इसका सेक्रेशन भी क्या होता है धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक। इंसुलिन हेल्प्स द ग्लूकोज फॉर एंटरिंग इनटू सेल, और इंसुलिन के बारे में पढ़ा भी चुका हूँ एक बार, इसका काम क्या होता है जैसे सेल के अंदर ना ग्लूकोज आसानी से घुस नहीं पाता है, समझ में आ रही बात, तो सेल के अंदर एक मतलब ये समझिए रास्ता खोल देता है और उसको अंदर पहुंचाने का काम करता है, हेल्प करता है सेल को अंदर पहुंचाने के लिए, फिर जब अंदर पहुंचता है साइटोसोल के अंदर, फिर उसके बाद क्या होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है यानी कचूमर निकाला जाता है, उसकी प्रोटीन उसका क्या है एनर्जी उसके अंदर से निकाली जाती है, यानी पूरा आपने देखा कि वो पाइरुवेट बनता है और पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके बाद फिर क्रेब्स साइकिल के अंदर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इस तरीके से ये क्या है इंसुलिन क्या करता है ये जो ग्लूकोज का कंजप्शन है जो इसका यूज है वो बढ़ा देता है, ठीक। अब कितना होना चाहिए नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो ये मैं आप पढ़ा चुका हूँ आपको एक बार, थोड़ा सा मैं रिवीजन के लिए यहाँ पे डाल दिया हूँ। तो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कितना, यानी जब आदमी भूखा रहता है तकरीबन 7-8 घंटे तक, उस वक्त में ग्लूकोज का लेवल कितना होना चाहिए हमारे ब्लड के अंदर, तो क्या है 99 mg per deciliter, ठीक है 99 mg per deciliter और लेस,
और या तो इससे थोड़ा कम हो तब वो क्या है, नॉर्मल है। लेकिन अगर 70 mg पर डेसीलीटर से अगर कम होता है, लेकिन अगर 70 mg पर डेसीलीटर से अगर कम होता है, ठीक है, ये यहाँ पे याद रखिएगा, 70 mg पर डेसीलीटर से अगर कम होता है तो वो फिर नॉर्मल नहीं है, बल्कि वो क्या है और मतलब डेंजरस हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में आदमी पहुंच जाएगा, यानी उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या लो हो जाएगा। अब दूसरा जो है ग्लूकागोन, ये कहाँ से रिलीज होता है, तो ये अल्फा सेल से निकलता है पैनक्रियाज के, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस के, क्या कहते हैं, बीटा से अल्फा सेल से ये निकलता है, इसका नाम क्या है, ग्लूकागोन, ठीक। अब इसका सेक्रेशन भी, जैसे उसका सेक्रेशन क्या है ग्लूकोज के बढ़ने से बढ़ रहा था, ऐसे ही इसका जो सेक्रेशन है, जिस सेक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन डिक्रीज व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज डिक्रीज, और जैसे ही ग्लूकोज का जब लेवल डिक्रीज होता है, यानी ग्लूकोज का लेवल जब डिक्रीज होता है, कम होता है हमारे ब्लड के अंदर, तो ग्लूकागोन का सेक्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। एंड इट्स सेक्रेशन डिक्लाइन व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज, और जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो फिर इसका क्या होता है, सेक्रेशन कम हो जाता है, ठीक, कम होने लगता है, गिर जाता है। अब इसका काम क्या है थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, द ग्लूकोज स्टोर्ड इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, क्या मतलब इसका, कि जो ग्लूकोज क्या है ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे लीवर के अंदर स्टोर है, तो ये क्या करता है, रिलीज इन द ब्लड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लूकागोन, ठीक है, तो जो ग्लाइकोजन हमारे लीवर के अंदर प्रेजेंट है, स्टोर है, तो इसके फ्लुएंस के अंदर, ठीक है, यानी ये ऐसा करता है कि उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बनवाता है, और ग्लूकोज बनवाने के बाद फिर उसको रिलीज करवा देता है ब्लड के अंदर, ठीक है। ग्लूकागोन ऑल्सो स्टिमुलेट द लीवर, और जो ग्लूकागोन है ये क्या करता है, लीवर को स्टिमुलेट कर देता है, उसको एक्टिव कर देता है, एंड अदर सेल टू सिंथेसिस ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन्स, और अगर देखता है कि मतलब जो ग्लाइकोजन था वो काम मतलब उतने से काम चलने वाला नहीं है, मान लीजिए कोई दौड़ लगा रहा है, रेसिंग में पहुंच गया है, और उसके पास ग्लाइकोजन खत्म हो गया, ठीक है, वो रेस करने जा रहा, खूब दौड़ रहा, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चले जा रहा है, और कुछ खाया पिया नहीं, ग्लाइकोजन की कमी हो रही है, तो अब ये लीवर से कहता है कि अब ग्लाइकोजन तो खत्म हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब प्रोटीन को तोड़ो, तुम अब प्रोटीन को तोड़ो, फैट को तोड़ो, और उनको भी क्या करो, अब ग्लूकोज बना दो, ताकि एनर्जी इसको प्रोवाइड किया जा सके, ताकि अपने अपने मार्ग तक, अपनी मंजिल तक पहुँच सके, ठीक। तो जब जरूरत पड़ती है तब ये होता है, सबसे पहले ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाया जाएगा, उसको ब्लड के अंदर भेजा जाएगा, फिर उसके बाद तब जरूरत पड़ती है तो प्रोटीन और फैट को तोड़ के फिर क्या किया जाता है, बनाया जाता है ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज को ब्लड के अंदर भेज दिया जाता है अपना काम करने के लिए, ठीक। एक टॉपिक और रह गया था, वो क्या है, डिसीजेज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का अगर अच्छे से मेटाबोलिज्म ना हो तो उससे क्या बीमारियां हो सकती हैं, उससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन हम लोग यहां पे सारी बीमारियों को तो कवर नहीं करेंगे, लेकिन जो मेन मेन है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप उतना भी अगर एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, तो सिर्फ उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो बीमारी है वो क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस, और इसके बारे में आप बहुत डिटेल से फार्माकोथेरापेटिक में पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाके इसको पढ़ लीजिएगा, जो क्या कहते हैं फार्माकोथेरापेटिक का प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने इसको पढ़ा रखा, बहुत सारी डिटेल इसकी बता रखी है, थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। तो डायबिटीज़ मेलाइटस इज ए इनहेरिटेड और एक्वायर्ड डिसीज़, तो जो ये डायबिटीज़ जिसको हम लोग शुगर के नाम से जानते हैं, तो ये क्या है, एक तरीके का इनहेरिटेड बीमारी है या एक्वायर्ड है, यानी ये तो कभी ऐसा होता है कि मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, यानी माँ बाप से चली आ रही है, या तो फिर आदमी इसको अपनी ज़िंदगी में एक्वायर करता है, यानी पीछे से उसका कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये अपने आप इसके अंदर ये धीरे धीरे ये बीमारी क्या हुई है, डेवलप हुई है, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड, यानी अपनी ज़िंदगी में उसके वो आई है बाद में, ठीक है। और ये क्यों होती है, तो अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रेशन और इंसुलिन एक्शन, ठीक है। तो क्यों होती है, तो कभी ऐसा होता है कि इंसुलिन का सिक्रेशन जो है वो बिल्कुल या तो कम हो जाता है या बिल्कुल बंद हो जाता है, तो इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाएगा, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। और ये भी आप जान लीजिए कि डायबिटीज़ मेलाइटस है क्या, तो डायबिटीज़ मेलाइटस में होता क्या है कि जो हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, समझ में आ रही बात, आपने पढ़ा ना इंसुलिन का काम क्या होता है कि वो ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाने में हेल्प करता है, जब वो हेल्प नहीं कर पाता है तो ग्लूकोज क्या है सेल के अंदर घुस नहीं पाते हैं, फिर वहां पे उनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है,
तो वो क्या हो जाते हैं, ब्लड के अंदर ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, उनका लेवल वहाँ पे बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आदमी को क्या है, वीकनेस भी आ जाएगा, चूँकि सेल जब एनर्जी नहीं यूज़ कर पाएंगे, उनको ग्लूकोज नहीं मिल पाएंगे भरपूर मात्रा में, तो एनर्जी भी आदमी को नहीं रहेगी, तो क्या होता है आदमी एकदम कमज़ोर सा हो जाता है, गिर जाता है, चक्कर आता है, बहुत सारी दिक्कतें उसको होती हैं। तो ये क्यों होता है कि इंसुलिन का सिक्रेशन बंद हो गया, या तो फिर इंसुलिन सिक्रेट तो हो रहा है, निकल तो रहा है, लेकिन उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है। समझ में आ रही बात, यानी वो जा रहा है लेकिन कुछ ऐसे मतलब फैक्टर्स मतलब उत्पन्न हो जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ जा रही हैं कि इंसुलिन अपना एक्शन नहीं दिखा पा रहा है, यानी वो सेल की मदद नहीं कर पा रहा है, कोई रोक दे रहा है उसको। तो ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस ऐसे आ जाते हैं, तो या तो ये रीज़न हो सकता है, या दोनों रीज़न मिल के क्या है डायबिटीज़ मेलाइटिस कर रहे हो, यानी ये कि इंसुलिन का सिक्रेशन बहुत कम हो रहा हो और जो हो रहा है उसको काम नहीं करने दिया जा रहा हो। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इन विच ब्लड शुगर लेवल इज़ हाई, तो फिर क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। और एक बात और ध्यान रखिए कि अगर मतलब एक दिन के लिए, आधा घंटे के लिए, दो घंटे के लिए ब्लड शुगर लेवल हाई हो रहा है, उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस नहीं बोलते हैं, बल्कि ये जब लंबे समय तक बना रहता है तब उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं, और इसी को हाइपरग्लाइसेमिया भी बोलते हैं। अब इसके कुछ सिम्टम्स क्या हैं, तो आदमी जब क्या होता है यूरिन करेगा, पेशाब करने जाएगा, तो फिर उसमें क्या है शुगर की मात्रा नज़र आएगी, आके चींटियाँ वगैरह उसको छाप लेती हैं, ऐसे आदमी को क्या है बार बार प्यास लगेगी, और क्या होगा यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यानी बार बार उसको पेशाब करने को जी चाहेगा, जाके करेगा, बार बार पेशाब लगेगा उसको। ऐसे ही क्या है एक्सट्रीम हंगर, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, और क्या होगा फटीग, फटीग यानी थकावट और दर्द होगा बदन में। ऐसे ही ब्लर्ड विजन, आदमी को साफ से दिखेगा नहीं, इसलिए कि हर जगह पे एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी मिल नहीं रही है सेल को, चाहे कोई से भी सेल हो, चाहे नर्व सेल हो, चाहे मस्कुलर सेल हो, कोई से भी सेल हो, हिपेटिक सेल हो, एल्वियोलाई हो, किसी को भी काम करने का मौका नहीं मिल पाएगा। फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन यानी बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, उसका रीज़न ये होता है कि जो हमारे मतलब WBCs हैं, जब उनको ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज मिलने लगता है तो वो समझ लीजिए एक तरीके से नशे में आ जाते हैं, जैसे शराबी नशे में रहता है ना, उसको कुछ पता नहीं रहता है, ऐसे ही वो अपना काम वगैरह भूल जाते हैं WBCs, और फिर इन्फेक्शन हो जाता है। फिर क्या होगा डिले इन हीलिंग ऑफ कट्स एंड वुंड्स, तो उसकी वजह से फिर क्या, अगर और क्या, अगर कहीं पर कट लग जा रहा है, कहीं पर ज़ख्म हो जाता है, वुंड्स हो गया, फोड़ा फुंसी हो गया, तो जल्दी ठीक नहीं होता, इसलिए कि जो इम्यून सिस्टम है डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे ही क्या इसमें नर्वस सिस्टम भी क्या किसी हद तक डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर क्या होता है इची स्किन, यानी जो हमारी स्किन है उसमें खुजली होने लगती है, तो ये एक बीमारी हो गई। दूसरी बीमारी है गैलेक्टोसीमिया, क्या है गैलेक्टोसीमिया, तो इसमें क्या होता है, तो पहली बात तो ये कि ये भी एक क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये क्या है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है इन विच बॉडी अनेबल टू मेटाबोलाइज गैलेक्टोज शुगर, तो गैलेक्टोज शुगर जो होता है उसको हमारी बॉडी क्या करती है, उसको हमारी बॉडी क्या है मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है, तोड़ नहीं पाती है, ठीक है, फिर उसको यूज़ नहीं किया जा पाता, जब वो टूटेगा नहीं तो वो यूज़ नहीं होगा, तो फिर क्या होता है ब्लड में गैलेक्टोज का लेवल क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, तो दी एबसेंस और नॉन फंक्शनलिटी ऑफ गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडिनिल ट्रांसफरेज इंजाइम, तो ये जो इंजाइम है एक गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडिनिल ट्रांसफरेज, तो इसकी क्या होती है एबसेंस हो जाती है, यानी ये बिल्कुल नहीं रहता है, या फिर ये काम नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है गैलेक्टोज का मेटाबोलिज्म नहीं हो पाता है, ठीक है, तो फिर ये बीमारी हो जाती है गैलेक्टोसीमिया, यानी ब्लड के अंदर गैलेक्टोज का की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। इसके क्या सिम्टम्स हैं, तो आदमी को भूख नहीं लगेगी, जॉन्डिस हो सकता है इसकी वजह से, यानी पीलिया हो सकता है, लीवर का साइज बढ़ सकता है, इसलिए कि लीवर के अंदर जाके ये क्या होता है जमा हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है, लीवर को डैमेज कर सकता है ये। ऐसे क्या होता है जो एब्डोमिनल है उसके अंदर सूजन आ जाता है, और वहाँ पर फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, तो वहाँ पेन भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है, भारी भारी सा लगेगा। ऐसे ही क्या आदमी का वेट लॉस होने लगता है। तीसरी एक बीमारी और है, वो क्या है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज, जिसको GSD भी बोलते हैं, ठीक है, ये आप शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, एक आध नंबर का क्वेश्चन यहीं से फंसा देता है। तो इसमें क्या होता है, तो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज फैसिलिटेटेड बाय सम एंजाइम। आपको मालूम है कि ग्लाइकोजन से जब हम लोग ग्लूकोज बना रहे थे उसमें कई सारे एंजाइम यूज हो रहे थे, ठीक है, तो अगर उन एंजाइम को ब्लॉक कर दिया जाए, रोक दिया जाए किसी वजह से, अगर वो रुक जाते हैं अपना काम नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या होगा ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, यानी ग्लाइकोजन ग्लूकोज नहीं बन पाएगा, फिर क्या होता है ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है लीवर के अंदर और मसल से सेल के अंदर, और जब एक जगह जमा हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज, ठीक है।
अब चौथी जो बीमारी है वो क्या है, ग्लूकोज 6 फोस्फेट डिहाइड्रोजेनेज डिफिशियंसी डिसीज। ग्लूकोज 6 फोस्फेट डिहाइड्रोजेनेज डिफिशियंसी डिसीज ये भी एक इंजाइम है। अगर इस इंजाइम की कमी हो जा रही है, डिफिशियंसी हो रही है, तो ये भी एक बीमारी है। इट इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर, और ये जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी ये अपने बाप दादा से चलती आती है बीमारी ये, ठीक है। इन विच दी क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज 6 फोस्फेट डिहाइड्रोजेनेज डिक्रीज। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज 6 फोस्फेट डिहाइड्रोजेनेज जो एक इंजाइम है उसकी जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो और जब इसकी मात्रा कम हो जाती है तो फिर क्या होता है, तो कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ प्री मेच्योर आरबीसीज। तो जो हमारे आरबीसीज होते हैं, लाइक उनकी एक लाइफ स्पैन होती है, यानी उनकी एक जिंदगी होती है कि इतने दिनों तक ये रहते हैं, तकरीबन 120 दिन तक वो रहते हैं, फिर उसके बाद वो मेच्योर हो जाते हैं और फिर वो क्या है, डेथ उनकी, फिर क्या होती है, डेथ हो जाती है। फिर लीवर उससे क्या करता है, उससे बिलीरुबिन और दूसरी चीज़ें बना लेता है, ठीक। लेकिन जब ये इंजाइम जो है, ये ग्लूकोज 6 फोस्फेट डिहाइड्रोजेनेज है, जब इसकी कमी हो जाती है तो फिर क्या होता है, जो आरबीसीज हैं वो प्री मेच्योर जो आरबीसीज है उनका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। यानी जो अभी मतलब अभी बिल्कुल सही हैं आरबीसीज, अभी काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है, हट्टे कट्टे हैं, उनकी डेथ होने लगती है, समझ में आ रहा है, उनका ब्रेकडाउन होता है, वो टूटने लगते हैं जब इस इंजाइम की कमी होती है। और इस डिस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, हीमोलाइसिस, यानी आरबीसीज का जो जो ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये टूट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस, ठीक है। एंड कॉजेज हीमोलाइटिक अनेमिया, और इसकी जब ये हीमोलाइसिस होता है तो फिर क्या हो जाता है, हीमोलाइटिक अनेमिया हो जाता है। अनेमिया आप जानते हैं कि जब हमारे ब्लड के अंदर आरबीसीज की कमी होती है तो उसको हम लोग अनेमिया बोलते हैं। वो अलग अलग रीज़न की वजह से होता है, जैसे आपने पढ़ा आयरन डिफिशियंसी अनेमिया, ऐसे ही मेगालोब्लास्टिक अनेमिया जिसमें क्या है, विटामिन B12 और विटामिन B9 की कमी से होता है, ऐसे ही ये जो हीमोलाइसिस यानी जो इनको तोड़ा जा रहा है, तो ये भी एक तरीके से क्या है, आरबीसीज की कमी हो रही है, तो इसकी कमी से अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हीमोलाइटिक अनेमिया। तो ये चार तरह की बीमारियां हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ ली। चूँकि अब वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।